हेलो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त एंड स्टोरी टेलर आपको एक नए विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। ये स्टोरी थोड़ी हटके है, अलग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ COVID-19 की, जिसे वुहान वायरस, चाइना वायरस और कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, जो कि वुहान शहर से निकला पूरी दुनिया में फैल गया। इसी कोरोना की वजह से आज चाइना और उसकी खाद्य संस्कृति आज चर्चा का विषय बनी हुई है। तो मैं आपसे उसी चाइना की खाद्य संस्कृति के बारे में चर्चा करने आया हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि चाइना में विभिन्न तरह का प्राणियों का मांस खाया जाता है। मैंने की ही रिसर्च में मैंने 4 मेजर मुद्दे फाइंड आउट किए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चाइना की खाद्य संस्कृति इतनी विभिन्न है और उसमें इतने सारे एग्जॉटिक फूड और एग्जॉटिक एनिमल्स क्यों आते हैं। फर्स्ट रीज़न है वहाँ की पॉपुलेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में। इसी वजह से वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ के रहने वाले लोगों का खाने की ज़रूरत को कभी पूरा नहीं कर पाता। इसी कारण वो सब्जियों के अलावा बाकी के जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। अपने खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसी वजह से वहाँ पे लोग सब्जियों के अलावा अदर एनिमल्स की फार्मिंग भी करते हैं, जिसमें कुछ एग्जॉटिक एनिमल भी आते हैं। चाइना के ज़्यादा पॉपुलेशन के कुछ मुख्य कारण हैं। लो मॉर्टेलिटी रेट, जैसे कि वहाँ पे इंसानों का मृत्यु का दर जन्म के दर से बहुत कम है। इसका दूसरा कारण है वहाँ की औरतों की फर्टिलिटी रेट। और उनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्टेबल इन्वायरमेंट, जो कि इंसानों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनकी वहाँ की पिछड़ी सोच। उनके नज़रिए से घर का नाम हमेशा लड़का ही आगे लेके जाता है। बच्चों में लड़कों को पैदा करने की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। ये उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वहाँ की रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के रिलीजन्स के हिसाब से, मोस्ट ऑफ रिलीजन्स में तो हिंदू हो गया, तो उस रिलीजन्स के हिसाब से कुछ एनिमल्स का मांस खाना या एनिमल का मांस खाना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। जैसे कि गाय, बैल, जो कोई अन्य जीव जिसका मांस खाने से आपको पाप लगता है, वैसी संवेदनशीलता आपको चाइना में देखने को नहीं मिलता। उस वजह से वहाँ पे रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देखी जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है एग्जॉटिक फूड खाना वहाँ पे एक लग्जरी समझा जाता है। जैसे आप आईफोन ले लीजिए, आईफोन का मोबाइल कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आईफोन इस्तेमाल करने वाले ऊँचे तबके के लोग समझे जाते हैं। जैसे कि आईफोन हमेशा से आपके अमेरिका एक मानक समझा जाता है, उसी तरह से चाइना में एग्जॉटिक एनिमल्स का ना रईसी का मानक समझा जाता है। उस वजह से लोग भारी कीमत देकर भी इन एग्जॉटिक फूड्स को खरीदते हैं। उसी वजह से म्यांमार, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से एग्जॉटिक एनिमल की तस्करी की जाती है, जिसके लिए लोग अच्छी खासी कीमत देने के लिए भी रेडी होते हैं, जिसमें से कुछ जानवर तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिनकी संख्या दुनिया में कम से कम होती जा रही है, जिसमें आता है पेंगोलिन, एक सिंगी गेंडा, पाइथन एट्सेट्रा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वहाँ पड़ने वाले अकाल। चाइना में 18वें शतक में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस वजह से लोगों को अपने बच्चों तक को गिरवी रखना पड़ा था या बेचना पड़ा था। दूसरा सबसे बड़ा अकाल पड़ा था 1959 में और 61 में। इसके बीच में वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को मिले वो खाने की सहूलियत दे दी। लोगों को भी समझा कि जिंदा रहना है बॉस, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। उस वजह से लोग खाने के प्रति इतने असंवेदनशील हो गए कि मिले वो खाने लग गए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है लोगों का अंधविश्वास और कुछ मान्यता है। किसी जानवर का खून या मांस खाने से आपके शरीर के अलग अंगों पर होने वाला अच्छा और बुरा परिणाम, इसमें आता है कि फिश की आँख खाने से दिमाग तेज़ होता है और त्वचा और सुंदर होती है। जैसे कि गेंडे के सिंग का पाउडर बना के खाने से कैंसर और नपुंसकता जैसे इलाज होते हैं। बैट का खून पीने से संभोग की क्षमता बढ़ती है। और ऐसे मार्केट्स को वेट मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे ऐसे एग्जॉटिक एनिमल्स को बेचा और ख़रीदा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।